ऐसा क्या फैक्टर था जिससे आपको लगा कि आई शुड मूव इन टू एकदम मैं वो देशभक्ति वाली जो मूवीज होती है ना उधर पहुंच गई थी जैसे आपने बोला ना नाउ यू मे गो नाउ आई आई टेल यू अबाउट कारगिल वार वी वर यू नो जस्ट थर्टी किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर आज के टाइम में हम एक चीज बोलते हैं एक्सपेक्टर हर हर जगह हम एक्सपेक्टर देखते हैं तो वही आपके जब आपका जुमे आता है

और पंद्रह साल से ज्यादा उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को दिया है लेट मी वेलकम मिस्टर अनिल त्यागी द डायरेक्टर एचआर फ्रॉम कुसुम फार्मास्यूटिकल कंपनी वेलकम सर थैंक यू वेलकम टू एचआर स्कूप। एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर थैंक यू दीपिका ये मेरा प्लेजर है कि आई हैव कम एंड यू इनवाइटेड मी फॉर दिस यू नो एचआर स्कोप थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच तो सर मैं आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बोला देशभक्ति वाली फीलिंग आती है सो so, uh, क्यों ना हम इस डिस्कशन की शुरुआत आपकी जर्नी से करें uh, दीपिका मैंने एक गाँव से स्टार्ट किया uh, एज आपने बोला देशभक्ति की तो मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूँ और जहाँ पे एक सपना होता लोगों का देश के लिए जाना सेना के लिए जाना तो मेरा भी सपना था ट्वेल्थ uh, के बाद ही मैं एयरफोर्स गया wow. और वहाँ मैं टेक्निकल ब्रांच में गया ओनली ट्वेल्थ करने के बाद देन मैंने रेडा सिस्टम में काम किया करीब छः सात साल बट संभाव एयरफोर्स का बड़ा अच्छा माहौल था दैन मैंने वहाँ पर बी किया दैन मैंने एम इंग्लिश लिटरेचर किया एंड डेवलपमेंट पार्ट देन आई बिकम ऑफिसर ऑफिसर बनने के बाद काफ़ी जगह पोस्टिंग हुई पूरे इंडिया के अंदर और बड़ा अच्छा रहा इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड सेम टाइम्स एक टाइम पर जाने के बाद मुझे लगा कि आई एम फिट फॉर एच तो उसके बाद मैंने एम बी एच आर किया ऑफकोर्स फ्रॉम इग्नो एंड देन आई डी डर एल एल बी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से एंड देन अट्ठारह साल जब मेरे पूरे सर्विस हुए तब मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई शुड मूव आउट एंड आई शुड गो फॉर द कॉरपोरेट सो दैट वॉज द जर्नी ऑफ एयरफोर्स वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट वॉज लाइक यू न वेरी वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड माई डेवलपमेंट वट एवर हैज़ एपन वो पूरा एयरफोर्स के ही अंदर हुआ तो जर्नी एक एयरफोर्स मतलब एक गाँव से स्टार्ट की और uh, आई रिसेप्ट पोजिशन ऑफ डायरेक्टर एच आर वाह उसके बाद एयरफोर्स के बाद लाइक यू नो मेरा पहला असाइनमेंट रहा वो इंट्रास फार्मास्यूटिकल्स के साथ रहा जहाँ मैंने छः साल काम किया एंड मुझे याद है अभी भी कि आई थिंक उस टाइम एक असिस्टेंट मैनेजर से और एक ए जी एम की जर्नी मैंने तीन साल में पूरी की ओ यस एंड फ्रोम इंट्रास आई मो टू कैडिला फार्मा एंड कैडिला फार्मा के बाद आई के एम टू कुम

लेकिन सर इंडियन एयरफोर्स में जाके क्यों आपने एचआर ऐसा क्या फैक्टर था जिससे आपको लगा कि आई शुड मूव इन इनटू एचआर आई थिंक क्योंकि वहां तो एचआर का कोई देखिए दो तरीके के लोग होते हैं एक की जर्नी वो बाय डिजाइन होती है और एक बाय डिफॉल्ट होती है सो आई थिंक इनिशियली कुछ ऐसा नहीं था कि एचआर में जाना बट जब मैं एयर में गया तो मैंने देखा कि एक माहौल था और कहीं ना कहीं मैं भी पढ़ना चाहता था वॉन्टे टू स्टडी फर्दर मैंने फेस किया कि इंग्लिश बोलना इट सेल्फ वॉज ए चैलेंज बट देन ये था एंड uh, मैं जब टेक्निकल ब्रांच के अंदर था उसमें मैं काफ़ी अच्छा करता था बट mm -hmm. जहाँ भी मेरे को पीपल्स के बीच में जाने का मौका मिलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड सेकेंडली एक थॉट थी कि अभी आपने एयरमैन ज्वाइन किया नेक्स्ट क्या तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना था mm -hmm. तो मैंने बी किया अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट क्लास आई कुड नोट स्कोर तो फेलियर भी आपको सिखाते हैं सो बिकॉज फर्स्ट क्लास आपको होना था जी डी ओ सी देने के लिए नहीं हुआ देन आई डिड एम एम ए मैंने उस सब्जेक्ट में किया इंग्लिश लिटरेचर जिसका कभी बहुत डर लगता था एक जमाने में एंड यू नो आई टेल टू दीपल कि भी वही कुछ भी कर सकता मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं एम ए इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद चार बार एस एस बी फेल किया तीन बार फेल फेस्ट किया उसमें तीन बार में फेल हुआ उसी टाइम uh, मेरे को मौका मिला एल एल बी करने के लिए का, तो okay. is is क्या तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से एल एल बी की आपका बेस्ट एक्सपीरियंस था इंडियन एयरफोर्स में आई थिंक यदि आप टीम वर्क एस ओ पी और लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कोई एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो दैट इज इन एयर फोर्स आई हैव सीन लाइक यू नो काइंड ऑफ आई आई टेल यू अबाउट कारगिल वॉर वी वो जस्ट थर्टी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर आई वॉज फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस टाइम में फ्लाइट लेफ्टिनेंट था मैं और मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने एकडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ हमने ये डिसाइड किया था कि यदि वार होगा तो वार होगा वी आर यर नो प्रॉब्लम एंड आप बिलीव नहीं करोगे उस एक साल की जर्नी में दीपिका कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे लोग बोलते हैं डर ये वो इट वॉज़ लाइक जो देशभक्ति बहुत थी अंदर बट हमने डिसाइड किया था कि जब तक हमारा हर एक जवान अपने घर जा के वापस नहीं आएगा तब तक हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा और पहले छः महीने हम दोनों वहाँ पर रहे जब छः महीने में सब लोग एक एक बार अपने घर पुणे हमारा बेस होता था पुणे जाने के बाद वापस गए तब आई स्टिल रिमेंबर आई थिंक कहीं सुन रहे होंगे मेरे बॉस विंग कमांडर uh, हसन करके हम मेरे कमांडिंग ऑफिसर होते थे एंड ही टोल मी दैट मीनस सती यू गो नाउ एंड आई वाज टेलिंग हिम यू गो नाउ सो दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ लाइक यू नो हाउ यू स्टैंड फॉर ईच अदर आई थिंक दैट इज समथिंग एंड दैट टू बी आल्सो

जो मैनेजमेंट की काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं वो इट हैज इट कम्स फ्रॉम आर डिफेंस बैकग्राउंड ओके आई गिव यू वन एग्जांपल। आज के टाइम में हम साइकोमेट्रिक्स टूल्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं बट अमेरिकन आर्मी ने अपने ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए 1932 में फाइरोबी को यूज़ किया था और uh, उस टाइम फायरो एक टेस्ट हुआ करता था तो दैट इज वन थिंग सेकेंडली जो वहाँ के सिस्टम और जो प्रोसेस हैं जो एस ओ पी है आई थिंक दैट इज समथिंग इज वेरी वेल डिफाइंड बहुत क्लियर क्लियरली डिफाइंड है और उसके साथ उनका एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से होता है तो फॉर मी मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आया और आप, आपको मालूम है कि फार्मास्यूटिकल हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं तो मैंने देखा कि एक जो सिमिलरिटी मैंने देखी इंटास के अंदर इनिशियली कि जो एसओपीज़ हैं एसओपी का प्रिपरेशन उनका एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन दैट इज समथिंग इज वेरी वेरी कॉमन आई हैव फाउंड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेसिकली एंड इन लाइक यू नो आर्मी क्योंकि दोनों जगह आई थिंक ह्यूमन लाइफ कनेक्टेड है यस राइट सो वो उतना स्ट्रॉन्ग रखना वॉज मे बी इम्पोर्टेंट ओके

देखिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम लोगों से हर बार पूछा जाता है एक तरफ जब हम डेटा देखते हैं तो देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट uh, एक बहुत बड़ी समस्या है समस्या है लोग बहुत परेशान है दूसरी तरफ जब मैं एच के लेंस से देखता हूँ तो हमको लोग नहीं मिलते या प्रॉपर राइट फिट कैंडिडेट नहीं मिलते आई थिंक ये एक बहुत बड़ा गैप है <laughs> और उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो एकेडमिक्स हैं और पर्टिकुलरली जो अपने स्टूडेंट्स हैं या जो नौकरी सीख कर रहे हैं उनको कुछ सर्टेन बेसिक्स के ऊपर काम करने की जरूरत है उनको ये देखना है कि आउट ऑफ क्राउड आप स्टैंड आउट कैसे होते हो ओके okay. तो दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जब यदि मैं बात करूं कि नौकरी क्यों नहीं मिल पाती और नौकरी कैसे मिल पाएगी नहीं, नहीं। दिस टू क्वेश्चन टूगेदर वन इज गैप है इंडस्ट्री hmm. बोलती है टैलेंटेड लोग अवेलेबल नहीं है hmm. uh, मास बोलता है देश के अंदर रोजगार नहीं है एक्चुअली। सो so, उसके लिए जो कुछ चीज़ें जब मैं जाता हूँ एकेडमीज के पास uh, मतलब यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं जाता हूँ अकेडमिया से प्रोफेसर से मिलता हूँ uh, तो मैं ऑलवेज एक चीज़ बोलता हूँ कि हमारे जो कोर्स डिजाइन किए गए वो बहुत एक थोरेटिकल है

स्टूडेंट्स का पर्टिकुलरली या जो दो तीन चार साल के एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उसके ऊपर ओवर रिलायंस कर रहे हैं सो hmm. so, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी hmm. okay. आपके सब्जेक्ट की होना बहुत जरूरी है यू नीड टू हैव दैट सेकेंडली आज के टाइम में हम एक चीज बोलते हैं एक्सफेक्टर hmm. हर हर जगह हम एक्सपेक्टर देखते हैं तो वही आपके जब आपका रिज्यूमे आता है एक कैंडिडेट का रिज्यूमे में आता है तो एक अच्छा एच आर उसके अंदर वो एक्स फैक्टर ढूंढता जब मैं एक्स फैक्टर ढूंढता हूँ तो उसमें क्या होता है कि उसका एक्स्ट्रा करिकुलरम क्या किया उसने उसका विलिंगनेस कितनी है लर्निंग के लिए और एक्स्ट्रा करिकुलर लाइक सपोज आप बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स हैं सो इट मीन्स यू आर ए टीम प्लेयर करेक्ट यदि आपने सपोज ग्रेजुएशन uh, किया है और आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ आपने एक सर्टिफिकेशन किया भले ही वो आपने दो दिन का सर्टिफिकेशन किया छः महीने का सर्टिफिकेशन किया वो मुझे शो करता है कि आपके अंदर विलिंगनेस टू लर्न है सो वैन यू हैव लर्निंग सो दैट इज लाइक यू नो हाई लर्निंग ओरियंटेशन यू आर टीम प्लेयर एंड यू हैव बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई थिंक दिस काइंड ऑफ ए टॉप ऑफ इट योर कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क इफ यू कैन शो इट सो आई गो विद दैट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट

बच्चों को वो पता कैसे चलेगा क्या सीखना है क्या करना है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके एकेडमिक्स एंड कॉर्पोरेट के बीच इंटरफेस होना बहुत जरूरी है करेक्ट आपको कॉर्पोरेट बिकॉज कॉर्पोरेट में आप प्रैक्टिकल चीजों को फेस करते हैं uh -huh. तो कॉर्पोरेट और एकेडमिक में यदि आपका इंटरफेस हो और ये चीजें वहाँ पे आप उनके साथ डिस्कस करें बच्चों को गाइड करें जैसे मैंने कई जगह पे प्रोग्राम किए हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट ट लाइक like kind of और वो ये नहीं है कि आप लास्ट में करिए पहले या दूसरे सेमेस्टर में करना पड़ेगा जिससे किन बी डिसूट से आते हैं, हैं mm -hmm. या आपके यूनिवर्सिटीज से आते हैं okay. और ये मैंने देखा है अभी कुछ इवन बी स्कूल्स के अंदर मैं आपको टिस के बारे में बताता हूँ कि जहाँ पे उन्होंने कई जो एकेडमिक्स के अंदर इंटरेस्टेड आपके लोग होते हैं मतलब सीनियर लोग होते हैं जीएम एम एन ऑल एक लेवल के बाद वो स्विच ओवर करना चाहते हैं तो उनको उन्होंने वहाँ पर रि एम्प्लॉयमेंट किया और वो अपनी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो वहाँ पर उनको बता सकते हैं okay. तो आई थिंक थर्टी परसेंट पीपल इफ दे टेक फ्रॉम कॉरपोरेट ओके दिस कैन डू द जॉब और डू द ट्रिक ओके सो आपने इंस्टीट्यूट को सोल्यूशन दिया आपने स्टूडेंट्स uh, को सोल्यूशन दिया बट जो गैप है उसमें मुझे लगता है ये जो सिस्टम का गैप है कि अच्छे लोग नहीं मिलते और अच्छी जॉब नहीं मिलती तो उसमें इम्प्लॉयर का भी बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं बिकॉज जॉब्स तो अवेलेबल है सो so, उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप आई थिंक आई वु माई एच आर कलीग्स डोंट बी स्टूड टाइप हम कई बार क्या करते हैं बहुत कॉपी बुक स्टाइल के अंदर जाते हैं एंड यू नो एंड बड़े एक स्ट्रिक्ट uh, लेंस से देखते हैं रिज्यूमे uh, को या कैंडिडेट्स को वी नीड टू बी लिटिल ओपन एंड एज आई टोल्ड यू अर्यर दैट यू हैव टू लुक समैक्टर्स लाइक आई हैव सीन दर पीपल दोज नोट स्कोर वेरी हाई इन देर एंड आई एम वन ऑफ दम ऐसे हाँ, well. so, uh, कि आपको अपने डिफाइन करने करने चाहिए कि, uh, जो आपकी इंडस्ट्री uh, के लिए राइट right फिट है दैट इज आई थिंक राइट फिट पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे से यदि आप पूछते हो तो यदि किसी uh,

जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे और आप कैसे <laughs> कैसे समझते हैं कि हाँ ये genuinely अच्छा लर्नर है और ये नहीं है uh, uh, एक रिक्रूटमेंट के अंदर एक सेइंग है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ पास्ट परफॉर्मेंस इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ना यू कैन से दैट सपोज स्टूडेंट आता सर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस आप कैसे देखोगे hmm. तो उसकी पास परफॉर्मेंस वो है कि जो उसने अपने एकेडमिक्स में किया है नॉट ओनली स्कोरिंग मार्क्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विलिंगनेस टू गो वन लेवल हाई सम लर्निंग ओरिएंटेशन आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको uh, कभी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए ये सब देखना चाहिए 90 परसेंट बच्चों को कोई एडिशनल एक्सपीरियंस नहीं होता है उसके बाद होता भी है तो उनका कोर अलाइन नहीं होता है उसके साथ प्लस वो बता नहीं पाते उतने अच्छे से केस स्टडी कुछ लोग अच्छे स्पीकर्स नहीं होते हैं बाय डिफॉल्ट तो उस केस में आप कैसे हो सकता है बहुत अच्छा कैंडिडेट लूज कर दे क्योंकि वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है सो so, ऐसे भी केसेस आते होंगे फॉर श्योर स्पेशली इन फ्रेशर्स मैं फ्रेशर्स के अराउंड जाना क्योंकि स्टूडेंट अभी निकला है वो इंटरव्यू में इतना हेजिटेट हो जाता है कि वो नहीं बता पाता है हो सकता है उसने बहुत अच्छा कुछ काम किया हो बट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है देन आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अगेन टू कलीग्स करिए, okay. uh, uh, क्योंकि एक 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 दिन दिन वो था जिस दिन आप भी होके में गए थे, हमारे देश के अंदर या मैंने एच आर में पर्टिकुलरली बहुत लोगों को देखा कि इंग्लिश में बात करना उसी को हम पैरामीटर मान ले, लेते हैं वही मापदंड बन जाता है हमारे इस, Selection but that rejection. Rejection का, वो नहीं होना चाहिए खासतौर हाँ से आप फ्रेशर लेवल के ऊपर उनको आपको ये देखना कि वो टेबल पर क्या ले आ सकता है आपके लिए और आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हो करेक्ट आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक ऑफ़ बट कंफर्ट लेवल इज एंड हैविंग दैट इम्फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट यू आर वेरी राइट दीपिका दे आर मेनी लाइक दे इन डे आउट आई लाइक नो टेल टू माई एच टीम ऑल्सो एंड डू माई सेल्प आई आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल लाइक वी डू रिक्रूटमेंट ऑफ एम आर एंड ऑल बिकॉज ये जॉब सबसे ज़्यादा ईजली अवेलेबल है सेल्स के अंदर जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं बच्चे मार्स में इंटरव्यू के लिए आते हैं हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में आई मेड में एक पॉइंट मेरा होता है कि मैं मॉर्निंग आऊँगा अपना ठिकन रखूंगा आई विल गो देअर एंड आई विल टॉक टू दैम फॉर फाइव टेन मिनट्स कैसे हो कहाँ से आए हो आपका जर्नी कैसा था एच आर ने आपको ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ हुआ कि नहीं हुआ बी कम्फर्टेबल कोई बात नहीं है दिस इज ए इंटरव्यू And, uh, कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं है आप और एच को मैं सर wow. so uh, कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में भी प्रॉब्लम आती है बिकॉज uh, गैप तो है ही बट उसके साथ साथ जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं और राइट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली वो उसमें कैसे क्या टूल या फिर कहाँ अपार्ट फ्रॉम जॉब पोर्टल्स बिकॉज़ जॉब पोर्टल्स आर देयर वो अप्लाई कर देते हैं कैसे करना चाहिए? आई थिंक आई कैन गिव सल्यूशन फॉर फॉर माय कंपनी वी हैव वन मेल आईडी इनफॉ एट द रेट कुसुम.

एंड ऑनिस्टली नो इंटेंशन आपने शेयर किया थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि आपने डायरेक्टली ई मेल आई डी शेयर किया विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे आई थिंक दीपिका आप बहुत uh, एक नए काम कर रहे हो ये वाई बिकॉज कई बार uh, जो पोर्टल्स के ऊपर भी

कैसे राइट करियर चूज करना है ये इसमें आप क्या टिप्स दोगे स्टूडेंट्स को देखो दो चीजें हैं इसके अंदर दीपिका पहली बात तो है कि आज के अंदर काफी टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो आपके एप्टीट्यूड के ऊपर बातें करते हैं ओके okay. एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर वो आपको बताते हैं कि भाई आप कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा हो सकता mm -hmm. है एक, एक तो ये इम्पोर्टेंट है सेकेंडली जो मुझे लगता है कि जिस रोल लाइक एम ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए पर्सन जैसा मेरा अपना खुद का करियर पूरा डिफॉल्ट रहा है आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिलती है उसके अंदर आप जुनून के साथ पैशन के साथ ट्राई टू डू हंड्रेड परसेंट आई थिंक दैट विल दैट इज समथिंग इज कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल पैशन होना बहुत जरूरी है यस yes, कई बार uh, ये होता है कि जैसा आपने बोला कि स्किल सेट को अपने आइडेंटिफाई किया लाइक like सपोज वो आपको कई बार आपको खुद पता होता है यू आर वेरी गुड इन मशीन कुछ बच्चे देखोगे अपने के साथ खेलते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े टॉकेटिव होते हैं सोशलाइजेशन करते हैं एंड दे आर वेरी एंड आपने कुछ लोग कि जो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं वो बात ही नहीं करते किसी से तो यदि आप उस टाइप uh, के हैं आप आइडेंटिफाई करिए आप अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मैं इंट्रोवर्ट हूँ मैं रैशनल हूँ मैं बहुत लॉजिकल हूँ Then try to get into technical or expert job, uh, role roles, which specialized. Yeah, but uh, like, but if you are like uh, something who likes to with the people, to under, talk to them, to understand them, to like you know organize uh, events in your college and all, then uh, go to the job like HR, admin, PR, and all that. Okay. You yourself can do it. Okay, but if you are privileged enough.

कई बार लाइफ में आपको पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है mm -hmm. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस के साथ साथ अपने आपको इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाना बिकॉज होता है क्या है कि आज एक जॉब है दस लोग उसके लिए आते हैं दस में से एक आदमी सिलेक्ट होता है हम चार लोग रिजेक्ट होते हैं या सिलेक्ट नहीं होते लेट्स नॉट यूज वर्ड रिजेक्ट बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाते उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट uh, चीज है मैं कहीं पढ़ भी रहा था और जो मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया एक वर्ड दिस टर्म कॉल इंस्परेशनल डिससेटिस्फैक्शन सो यू गेट यू शुड इन योर आल्सो इन योर रिजेक्शन आल्सो हाउ यू कैन गेट इंस्पायर्ड नाउ लेट से दीपिका गोट सेलेक्टेड आई वॉज देयर विद दीपिका एटलीस्ट फॉर थ्री इयर्स ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस में भी लंच साथ साथ किया होगा don't don't blame to the others. look that that introspect that what is what was that one quality in Deepika she got uh, selected. if I get, I imbibe that quality in me, probably it will help me in the next interview. wow. great sir. sir मैंने सुना है कि कुछ लोगों के लिए as I have been interviewing lot of H R's कुछ लोगों के लिए resume में बहुत important होता है cv. और कुछ लोग cv देखते ही नहीं हैं. आप के लिए क्या है आई थिंक रिजू में आपका एक uh, फिल्म का ट्रेलर होता है ओके okay. सो <laughs> so, मेरे लिए रिजु में इंपोर्टेंट है रीजन बिहाइंड जब आप एक रिजुमे सेंड करते हो तो उस रिजुमे से एज ए एच आर आप बहुत चीजें देख सकते हो लाइक hmm. सपोज like, आपने एक रिजुमे सेंड किया आपका पूरा फॉर्मेटिंग इज वेरी प्रॉपर ग्रामेटिकली इट इज वेरी करेक्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने अचीवमेंट्स आपके एकेडमिक्स क्रेडेंशियल्स आपके एक्सपीरियंसेस को mm -hmm. अच्छी तरीके से उसमें मैप किया है सो इट गिव्स मी रेफरेंस पॉइंट टू स्टार्ट विद बट नॉट ओवर रिलायंस ऑन द रिज्यूमे बिकॉज आजकल बहुत एक टर्म है एच में रिज्यूमे पैडिंग राइट सो यू हैव टू Not you you need to take it as a reference point, mm. not to get impressed because of this. And aaj ki ye again a message HRT, HR Log, Mr. HR colleagues, that What happens? Today there are lot of agencies including Joe Portals, I should not name those who charge 5000, 7000, 10,000 rupees and they make a very, very beautiful resume. So it should be used only as a reference point, not uh, you get influenced and impressed and create some kind of a basis. Just based on resume. Just based on resume. So basically, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए resume की बारीकियाँ important हैं, है, yes. maine रत्ती हैं। Your attention to details comes from it. Yes. So for freshers as well as for experienced one. See, when I talk, it is more for uh, fresh uh, experience. Okay. The senior, uh, it goes. Let's say I I'll be more focusing on resume if you are coming to me for manager and above. Okay. Okay. If if you are not uh, like you know, it is uh, many times I interviews. Uh, एम आर और एरिया मैनेजर और एग्जी वाह आपका क्या तरीका होता है राइट हायर आप कैसे करते हो वट इज योर स्ट्रैटेजी टू हायर अ राइट पीपल फॉर स्टूडेंट फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर एक्सपीरियंसड वन सी बेसिकली दीपिका एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है लाइक everybody will विल नॉट फिट इन वन साइज हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने डी एन ए होते हैं hmm. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वाट इज़ माई डी एन ए लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो इनोवेशन एंड लर्निंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कुछ लोग रूटीन में काम करते हैं उनका एक इफिशेंसी uh, बेस्ड ही होता है so, सो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको एज ए एच आर वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है सेकेंडली यदि आपके ये आपके आपको मालूम है कि आपका डी एन ए क्या है आपके क्या मेजर वैल्यू सिस्टम है कंपनी के आई थिंक आपको हायरिंग के लिए परफॉर्मेंस के साथ साथ उन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए जैसे हम लोग अभी अपने यहाँ पर हायर करते हैं और इट इज़ अक्रॉस ओके बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है हम लोगों की ग्रोथ लाइक आवर सी एच आर इज़ थर्टी फाइव परसेंट सो हमको और हमारा एक ये है कि हमको वो लोग चाहिए जो सर्टेन बेसिक वैल्यूज़ के ऊपर काम करें जैसे रेस्पेक्ट आपका ऑनेस्टी इंटीग्रिटी हाई लर्निंग ओरिएंटेशन एंड क्वालिटी ओके सो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था आपको क्वालिटी जब देखना होता लो है लोग बोलते हैं क्वालिटी मीन्स आपके जो क्यू ए क्यू सी या प्रोडक्शन करते हैं क्वालिटी इज इन एवरीवेयर क्वालिटी एंड सिक्योरिटी इन एवरीवेयर इन इन योर लाइफ सो दैट क्वालिटी इवन यू कैन चेक फ्रॉम द योर रिज्यूमे आल्सो सो दैट इज सर्टेन पैरामीटर्स ऑन विच वी बेस्ड आवर सिलेक्शन क्राइटेरियाज सो क्वालिटी को सर मैं थोड़ा सा और डिफाइन डिटेल में डिफाइन करवाना चाहूँगी आपसे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक चीज़ आपने बोली है नो बडी टॉकड अबाउट द क्वालिटी टिल नाउ सो क्वालिटी इन एज अ पर्सन फाइन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्किल्स आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी वॉट इज दैट दीपिका सिंपल शब्दों के अंदर जिस काम को आप कर रहे हो उसको अपनी पूरी शिद्दत के साथ करना ही क्वालिटी है equality.

इंडिया अभी आई चलते हैं अब हम सब लोग देखते हैं आपको शायद पता होगा कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इंडिया ने केवल एक बार जीता धोनी hmm. के कैप्टन में जब वो टीम खेलने के लिए गई तो पहला एक्सपीरियंस टी ट्वेंटी का होता था और धोनी को कैप्टन बनाया गया था नो बॉडी लाइक लेकिन वो इवन बिग बिग एक्सपर्ट वज चलेंगे क्या किया धोनी hmm. एक नया लड़का आया उसका अपना कैप्टन बनाया और टीम लेके गया दैट इज़ ऑफकोर्स हिस्ट्री मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज क्रिकेट की आप बातें करोगे तो मैं पूरे दिन बातें करता रहूँगा फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था और वो मैंने वहाँ से पिक किया वो एक्चुअली और मुझे अपने एच आर में अप्लाई किया लास्ट ओवर बॉल करना था दस या ग्यारह रन बनाने थे और धोनी को धोनी अपने प्लेयर में ढूंढ रहा था मेरा बॉलर कौन है जो लास्ट ओर बॉल ओवर करेगा और तब तक मबूल हक पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे उनका स्ट्राइक रेट ही करीब दस बारह रन पर ओवर चल रहा था और केवल सात रन थे देन एक नया सा एक आई uh, थिंक जोगिंदर शर्मा करके एक बॉलर थे धोनी ने उनके हाथ में बॉल दे दिया एंड चौथी या पांचवी गेंद पर इस्मा वॉज आउट एंड इंडिया वन दर्ल्ड कप दिस आई लर्न फ्रॉम धोनी हाउ लाइक धोनी इज अ ग्रेट लीडर सो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जनरली वन प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल टॉक बिग बिग थिंग एंड थिंगज कैमराज एवरी थिंग लाइक here was asking him uh, about what was that strategy and master strokes like dhoni you bring in unexperienced i think it was third or fourth match of joginder sharma and uh, it did it. So it was a master stroke what was your strategy hmm. simple answer uh, for dhoni was and that is uh, very very important for uh, hr folks or anyone k there was no strategy i looked up towards Jahir khan I looked up towards Harbhajan Singh. They were my experienced, so-called experienced bowlers. Mm -hmm. But nobody was willing to bowl that over. Joginder came to me. Mm -hmm. uh, he said, Captain, I will bowl this over. Wow. So, it was his willingness. I gave the ball in his hand and that's the rest of the story. So, always okay, try to uh, go for uh, this kind of...

अब शायद ये एम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम खत्म होगा आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वहाँ पर वो इंटीग्रेशन होने की जरूरत है एंड सेकंड व्हेन गवर्नमेंट काफी कुछ कर भी रही है जैसे आप नेफ्स लेके आए वो अपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया इन सब का इंटीग्रेशन करना और इसको कॉर्पोरेट uh, को उसको uh, मतलब एक्सेप्ट करना uh -huh. जो आपका क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक्सपीरियंस

सी ये हमने एक्चुअली uh, प्रैक्टिकली किया आपने अभी पिछले दो साल में आई थी हमने प्रैक्टिकली किया हमने इसको रोल बेस्ड बनाने की कोशिश की है यदि आपका मैनेजरियल रोल है mm -hmm. तो आप एक्सपीरियंस पर्सन हायर करिए हैज द मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज यदि आपका जो रोल है वो बेसिक uh, या इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर भी है यू हायर फ्रेशर विद ऑफ वन टू थ्री टू ईयर और थ्री ईयर्स लाइक अभी हमारे एनालिस्ट होते हैं वो एनालिसिस करते हैं सिंपल यदि आपने एक बार वो प्रोसेस उनको बता दिया तो वो कर सकते तो वहाँ पर मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं आठ साल या दस साल का एक्सपीरियंस के कैंडिडेट को हायर करूँ आई हायर फ्रेशर और हायर वन टू थ्री इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेरी एच टीम अक्रॉस uh, लोकेशन इसके ऊपर काफी अच्छा काम भी कर रही है एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर कि आपने इंडस्ट्रीज को बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए आप इंस्टीट्यूट्स को क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे थ्योरेटिकल आई अंडरस्टूड कि उनको प्रैक्टिकल करना चाहिए बट उनको और ऐसा क्या करना चाहिए बिकॉज हम कोर्स करिकुलम तो चेंज नहीं कर सकते ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चे जब कॉलेज से बाहर निकलें तो वेल ट्रेनड एंड एक जैसा इंफ्रा है या जो बोलूँ ट्रेनिंग्स हैं या थ्योरीज हैं उसके अराउंड ऐसी कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स आई थिंक वहां पर दीपिका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखिए करिकुलम इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो जो आपने कंसेप्ट किया उसको एक स्टूडेंट उसको अप्लाई कैसे कर सकता है उसके लिए आपको या तो इंडस्ट्री के साथ विजिट बनानी चाहिए और जैसा आप बोल रहे नॉन प्रीमियम मेरे फार्मास्यूटिकल्स का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं जहां भी जाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ क्रिएट नॉट ए बिग काइंड ऑफ ए लैब लैब इज स्मॉल काइंड छोटे मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट आप रखिए ब्लैंडिंग कैसे होती है ग्रेंडिंग कैसे होती है वो आप जो आप क्लासेस में पढ़ा रहे हो उसका एक एक्सपीरियंस उनको दीजिए ओके सो आई थिंक एक्सपीरियंसियल लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इंडस्ट्री लाइक एकेडमिक्स नीड टू ओके और क्या इंस्टीट्यूट्स को मोर ओजीटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए कंपैरेटिवली आई टोल्ड यू दैट इंटरफेस बिटवीनアカडेमिया एंड दिस लाइक इफ यू सी टॉप बी स्कूल्स दिस एंड स्टूडेंट फॉर समर इंटर्नशिप अब वो दो साल के अंदर चार उनके लाइव प्रोजेक्ट करा देते हैं तो एक राइट अमाउंट ऑफ योर थोरिटिकल अप्रोच एज वेल एज दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप एंड ऑल एंड कॉलेज आर लाइक यू नो इन माई एक्सपीरियंस आई कैन से आई थिंक इंडस्ट्री इज वेलकमिंग इट आई एम एट लीस्ट वेलकमिंग इट नॉट इवन ए सिंगल कॉलेज इन डेली इफ दे अप्रोच टू अर फॉर समर ट्रेनिंग और इफ दे अप्रोच टू अर फॉर इंडस्ट्रियल विजिट आई है

आपको कई लोग ऑब्जर्व करते रहते होते हैं तो आपको अपना कमिटमेंट डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी और एक अगेन मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में किया है आपका एक्स्ट्रा माइल जाने का एक ये जज्बा वो दिखता है okay. वो आपको हर एक छोटी में दिखता है मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट्स आते हैं क्राउड ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स आएगा दो तीन बच्चे रहेंगे बड़े सीरियस होते हैं टाइम पे होंगे टाइम पे लंच करेंगे टाइम पे अपना काम करेंगे एंड दे आर वेरी विलिंग हैव हैव काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कि ठीक है यदि आपको मौका मिल रहा आपको जो भी मिलता है आपको टाइम मिला आप क्वेश्चन कीजिए पूछिए और सीखिए आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए wow. जैसा मैं आजकल देख रही हूँ सर क्या हो रहा है हर किसी को एचआर बनना है तीन ऑप्शंस है फाइनेंस एचआर मार्केटिंग जो देखो उसे लगता है एचआर बड़ा फैंसी है ग्लैमरस है यस yes. सबको एचआर बनना है आपके हिसाब से किसको एचआर बनना चाहिए किसको एचआर नहीं बनना चाहिए देखो दीपिका एक बड़ी ओल्ड सेइंग है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड्स सो दैट इज दैट इज समथिंग व्हिच वी शुड कीप इन माइंड और आई थिंक किसको एचआर बनना है और किसको एचआर नहीं बनना है uh, देखिए uh, uh, आपको यदि एचआर बनना है तो आपको कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिसके ऊपर आपको आपके अंदर होनी चाहिए एज uh, uh, मैं आपको आई थिंक पहले भी बोला है कि जो एच आर यदि आप एच आर बनना चाहते हो तो आपको ह्यूमन कनेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए आपको एम्फेटिक होना चाहिए और uh, कहीं ना कहीं आपकी लिसनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उससे भी ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एज ए एच आर आपको एक रोल मॉडल होता है वो ग्रीनर फॉर द अदर साइड्स बिकॉज अब क्या साइड देखते हो एचआर की एचआर मैनेजमेंट के बड़े क्लोज है एचआर अप्रेजल कराता है एचआर ट्रेनिंग कराता है एचआर ये कराता है दैट्स फाइन बट देन उसके लिए आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट की ज़रूरत होती है मैं ये बोलूँगा uh, ग्लैमरस जॉब नहीं है ये एच uh, इसके इसके पीछे काफ़ी आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए होता है जो डिफरेंट साइड का स्किल सेट होता है सपोज आप, आप, आप आज आज रिक्वायरमेंट आपको मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्शन इनके अंदर बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके अंदर भी लोग बहुत टॉप तक जाते हैं तो यदि आप आपका टेक्निकल बैंड ऑफ माइंड है आप बहुत लॉजिकल हो रैशनल हो तो आप मशीन लर्निंग में जाइए आप प्रोग्रामिंग में जाइए यदि आप उस टाइप के हैं आपका तो आपको अपना जो करियर है ना वो अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली चुनना चाहिए दर इज वाट आई से

सेम टाइम्स बिकॉज एच आर दो स्पेक्ट्रम पर काम करता सेम टाइम्स वो जो ना एक जो फ्रेमवर्क है आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम एंड प्रोसेस है उसको सबसे पहले एज ए रोल मॉडल खुद फॉलो कर सकता है एंड देन वो दूसरों को फॉलो करा सकता है तो मेरे हिसाब से एक जो अच्छा एच आर मैनेजर है की अब डेफिनेशन यदि आप पूछते हैं ही शुड बी इम्फेथेटिकुड है वेरी गुड लिस्टनिंग स्किल्स He should have, uh, like you know, he, he needs to be uh, like you keep a balance between uh, your process system and human connect. Correct. And top of it, because you are the you are the guardian actually. You are the you are the person towards bearer to whom everyone looks up. Yeah. So you need to lead from front. How? Through your uh, conduct, through your own uh, your behavior.

सो बेसिकली yeah. so आपकी बिजनेस रिवॉल्व होती है पीपल के थ्रू सो एच so, आर का रोलोर्स हमारे देश में थोड़ा अंडेस्टिमेट किया गया बट अभी तो बहुत ज्यादा आई एम वेरी हैप्पी की ये तो पीपल आपके बिजनेस चलाते हैं एवरी थिंग इज अराउंड बिजनेस आपके पूरा का पूरा यदि आप देखो तो पूरा मॉडल आपका बिजनेस का फोर एम के ऊपर है हुँ. तो मैं फोर एम में यहाँ पे मैन की ही बात करूंगा तो आपको क्या है कि आपको पीपल राइट फ्रॉम हायरिंग आइडेंटिफाइंग

तो ये भी एक मॉडल है कि यदि आप uh, एक अच्छी इफेक्टिव टीम में काम करते हैं तो आपकी इफिशियंसी इंडिविजुअल के मुकाबले सेवेंटी फाइव टू एट्टी परसेंट तक बढ़ जाती है सो आई थिंक एच आर हैज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक रोल अपार्ट फ्रॉम दिस एक जो पार्ट एच का हम मिस करते हैं ऑलवेज दैट इज एंड पार्ट तो जो आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क है विच रिवॉल्व अबाउट अराउंड योर सोशल योर इंडस्ट्रियल लॉज एंड ऑल दैट फ्रेमिंग uh, okay. पॉलिसी so uh, uh, लेकर आने वाले हैं. So आपने जैसा बोला जो टीम है जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में उनके अराउंड एच आर प्लेजोर्टेंट रोल सो वो वर्किंग फोक्स जो हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं बिंग ए नेचर जो आपको बहुत ज़्यादा नापसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है सो द लाइकिंग अनोइंग ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे लोग अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाते हैं नहीं ग्रो नहीं कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन सो एज ए नेचार वॉट मैसेज यू वॉन्ट टू गिव टू वर्किंग प्रोफेशनल्स आई थिंक पॉजिटिवली बातें करते हैं जो Uh, कुछ क्वालिटीज और ट्रेड्स ह्यूमन ट्रेड्स हैं जो आपको पर्टिकुलरली मेरे को अच्छे लगते हैं जो इम्प्लॉयज वर्किंग प्रोफेशनल हु लाइक शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड एटीट्यूड आई थिंक दैट इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शेयरिंग एंड केयरिंग इज आल्सो लिंक्ड विद योर टीम वर्क पीपल दोज आर ट्रांसपेरेंट पीपल दोज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड बट विद व्हाट टू से व्हेन टू से एंड व्हेन नॉट टू से Okay. because otherwise sometimes state trees are cut first kind of hmm. so people uh, those who are like uh, having that uh, ethical values people those who are having uh, honesty and a, a certain amount of code of conduct i think these are the people i like at the workplace other way around like you know as getting both working professional है. they कीप ऑन लाइक यू नो अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं दूसरे का टाइम भी बर्बाद करते हैं निगेटिविटी साइटॉक्स ओके इसने क्या बोला उसने क्या बोला एंड यू नो क्रिएटिंग काइंड ऑफ ए कल्चर अराउंड नेमसेल्व्स विच इज़ फुल ऑफ निगेटिविटी फुल ऑफ साइटॉक्स एंड विच नॉट ओनली उनको डिस्टर्ब करता है hmm. वो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुँचाता है Correct. So people like this. So uh, I, I basically uh, don't like uh, this kind of traits among the people. Even if you are, uh, let's say Deepika, uh, one is the best performer, but first of all he cannot be. But if he has this negative traits, I will either counsel him, I'll guide him, or if it is not, I'll fire him. <laughs> so must be. Absolutely. Else, can fire you. Okay. सो so, सर लोगों को अपग्रेड कैसे करना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स अगेन क्योंकि आपने बोला नेगेटिविटी ठीक है हमने मैसेज दे दिया जनता को कि नेगेटिविटी नहीं फैलाना भाई फायर हो जाओगे लेकिन ये जो नाइन टू फाइव है उसमें इतना थक जाते हैं लोग कैसे अपग्रेड करें अपने आप को दीपिका मेरा अपना एग्जाम्पल मैं आपको दूँगा पहली, पहली बात ये है कि यदि आप पैसोनेट अबाउट अपने जॉब के लिए देखिए और पैशन और मोटिवेशन का एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आजकल मोटिवेशन पर बड़ी बातें होती है द फर्स्ट मोटिवेशन इज टू आई एम गोइंग टू ऑफिस आई एम अर्निंग माई ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दैट जॉब सो दैट शुड गिव मी दोटिव मोटिवेशन वेन यू आर मोटिवेटेड एंड पैसोनेट अबाउट अबाउट योर वर्क आई थिंक आप टायर नहीं होते okay. दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है जो आपने बोला कि आप अप कैसे अपने आप को डेवलप करें सिंपल hmm. तरीका है कीप ओन थिंकिंग वट बेस्ट यू कैन डू हाउ बेस्ट यू कैन डू वाट आर द वेज एंड मीन्स यू कैन अडोप्ट हु आर द पीपल फ्रॉम यू गैट द गाइडेंस आई थिंक यदि ये आप एक सबसे सब प्रॉब्लम क्या है जो मैं वर्किंग प्रोफेशनल को देखता हूँ हम सब लोग जो काम कर रहे होते हैं उस ऑपरेशनल रिपीटेड काम है वी आर वेरी हैप्पी कर वी डोंट डेवलप दिंकिंग एलिमेंट इन आर माइंड सेट थिंकिंग एलिमेंट्स आप अपना ये डेवलप करिए और दूसरा जैसा आपने बोला है ट्वेंटी फोर आवर्स हैं सबके पास Uh, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आई हैव सीन पीपल वर्किंग प्रोफेशनल वो नाइन टू फाइव काम करते हैं उनको इंदौर से धारू मतलब अपना धार भूल गए सो पीतमपुर से इंदौर आने में आपको एक घंटा लगता है आई हैव सीन सम प्रोफेशनल अपनी बुक्स लेते हैं रास्ते में पढ़ते हैं वो यूट्यूब बड़े अच्छे आपके आज, आज, आज सोशल मीडिया आप वहाँ पे अपने डेवलपमेंट के लिए आप उसको यूज यूटिलाइज कर सकते हैं तो वो बट वो आप सब कहाँ से आएगा सबसे सब पहला आएगा थिंकिंग बिकॉज ये पिरामिड है और मैं सभी वर्क प्रो, प्रोफेशनल से बोलना चाहता हूँ कि इस पिरामिड में टॉप के ऊपर आपके लिए केवल एक या दो पोजिशन होती हैं क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता जाता है तो आप पहले खुद सोचिए अपना रोड मैप खुद तैयार करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए एंड डोंट कंप्लेन अबाउट टाइम टाइम इज ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर एवरी वन

अभी किसी ने मेरे को पूछा सर एवरेज इंक्रीमेंट टेन परसेंट होता है <laughs> तो आई आस्क के पिछले साल से इस साल आपने टेन परसेंट डेवलपमेंट क्या किया आप टेन परसेंट छोड़ दीजिएगा आप मुझे बताइए चार परसेंट डेवलपमेंट आपने अपने ऊपर क्या किया और हाउ यू थिंक डिफरेंटली के आप नेक्स्ट रोल के लिए कर सकते तो वो थिंकिंग जो आपने अभी इंडोर्स किया आई थिंक दैट इज की सर मैंने सुना है आपकी एक्सपर्टीज ओडी uh, के अराउंड है दो ओडी का मैं फुल फॉर्म जानती हूँ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बट ये होता क्या है ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट काम कैसे करता है सी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बेसिकली इट्स टू इंडिविजुअल टू कंपनी सो व्हेन यू प्लान सर्टेन डेवलपमेंटल इनिशिएटिव और चेंज इनिशिएटिव दैट इज इंपॉर्टेंट एंड मेरे अंडरस्टैंडिंग में ओडी का सिंपल ये है कि किसी भी

हंड्रेड परसेंट एच आर ऑटोमेशन के ऊपर गए हैं ओके लाइक आज uh, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुसुम ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर हम टोटल एस सक्सेस सेक्टर के ऊपर है हमारा एच आर हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटेड एंड डिजिटलाइज है ओके okay. उस चेंज को वो डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल बाई इन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट क्रिएटिंग एक्सेप्टेंस अबाउग द स्टेक होल्डर योर क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स देन uh planning very properly motivating team to go extra mile, put some extra burn uh, extra midnight oils kind of and then creating a facilitative kind of uh, environment uh, around the people so they embrace your change management wow and couple of it at the end uh, like you know create some kind of a reward and recognitions or incentivized uh, uh, policies or procedures because Every human being at the end of the day look for recognitions. Yep. It can be tangible, it can be intangible. I think this is how, uh, based on this certain uh, dimensions which I talked about, we have made this change uh, uh, management. Wow. Secondly, you ask about uh, like you know, development, development. We keep on telling development. Uh, we have built in the care of everyone about the self development. See, development again is linked with your thinking. द फर्स्ट यू नीड टू बी कन्विंस्ड यू मस्ट कन्विंस योर सेल्फ दैट आई नीड टू डेवलप वट आई कैन डू आई कैन क्रिएट एन इन्वॉमेंट आई कैन फैसिलिटेट अगेन टू आपको डेवलप करने के लिए कि भाई ये आप ये ये यदि आप ये करेंगे तो इस आपको क्या होगा वाट इज एन इट फॉर यू काइंड ऑफ कंसेप्ट सो दैट इज हाउ इट इज एंड एज ए एच आर वी डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग वी डिड सेवन हैर सीनियर पीपल्स We have, like, you know, in your indoor itself, we have, uh, uh, like, you know, engagement with IMAs. So, a lot of training uh, sessions and development sessions which we are going. Wow. But only one thing which I see and which is very, very important that self de development start from you, from the self. Secondly, your willingness. I keep on telling one thing willingness and uh, learning orientation. And as a HR, we create that kind of involvement and facilitations around you.

उससे वो पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो रहा है आई बैक टू डिफर विद यू डिफिकली राइट देखिए कोई भी डेवलपमेंट uh, जो होता है वो म्यूचुअल होता है वो आपको भी हेल्प करता है सपोज आज आप uh, एक स्किल गेन कर रहे हो इट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर श्योर बट लाइक सपोज यू बिकम टुमारो इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर बिकॉज ऑफ योर टी एचआर और योर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प यू or you are now better emotionally intelligent or your eq goes just a little higher it helps you in society it helps you in your personals also so it is always whenever a development program is it is for both yes a question to the hr whenever you are making uh, that development in uh, programs always keep it should be uh, like you know balance between personal as well as the organizational

तो वो एकदम रेडी टू यू नो कैंपस रेडी स्टूडेंट्स रेडी हो आफ्टर पासिंग आउट सी बेसिकली जहां तक ओडी uh, का सवाल है इंस्टीट्यूट के अंदर टू बी वेरी फ्रैंक ओडी इंटरवेंस अभी काफी पिछले 10-15 साल माइल से बहुत हुए हैं बट आई थिंक ओडी के मुकाबले यदि मैं इंस्टीट्यूट को मैसेज देना चाहूंगा सो आई विल टॉक अबाउट हाउ यू ओवरऑल डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ यूर स्टूडेंट आई थिंक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम यूर टेक्निकल स्किल्स आपको तीन चार चीज़ें उसको सिखाने आती uh, हैं वो कैसे एक अच्छा टीम प्लेयर बन सकता है हाउ ही कैन डू द कोलाब्रेशन किस तरीके से वो थोड़ा मुश्किल है बट हाउ यू कैन क्रिएट लाइक यू नो कि उसको वो एक थिंकिंग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाए स्टार्टिंग से यदि कर सकते हो तो बहुत अच्छा है सो so, कोलाब्रेशन के ऊपर टीम वर्क के ऊपर आपका थिंकिंग एबिलिटीज आप कैसे कर सकते हो लर्निंग ओरियंटेशन के ऊपर आपको कुछ कैप्सूल कोर्सेज करने चाहिए आपका जो इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम है इट शुड इन्वॉल्व सॉफ्ट स्किल एलिमेंट्स हम होता क्या है कि हम पूरा का पूरा फोकस खासतौर से टेक्निकल उसके लिए हम पूरा का पूरा फोकस जो करते हैं वो सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर करते हैं okay. तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो वाओ thank you so much thank you it was very useful for i mean all of us i must say and your insights was really amazing and jo aapne pointers diye hain mujhe lagta hai isse aaj ke hamare is podcast video se एच आर्स को बहुत सारा नॉलेज मिलेगा एंड जैसे मैंने सुना है आपकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है so definitely जितने भी लोग आपकी टीम के साथ अगर इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है एच को स्पेशली सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज़ फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स की ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को कंटिन्यू डेवलपमेंट के साइड कैसे ले जाएं, कैसे वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें और कैसा एटीट्यूड रखें एंड स्टूडेंट्स कैसे रेज्यूमेज की बारीकियों को देखें और वो स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ से कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं एंड इंस्टीट्यूट्स को क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है सो आई थिंक सर आपने ओवरऑल बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को समराइज किया सो आई वुड लाइक टू से थैंक्स अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूप टीम थैंक यू सो मच थैंक यू दीपिका आई थिंक जो आपने एक इनिशिएटिव लिया यू बीग योर सेल्फ इन टू प्रोफेशन एच आर प्रोफेशनल एंड देन आपका जो ये इनिशियटिवेरी इट विल हेल्प ए लॉट not only for uh, uh, you know uh, job seeking people but to the hr as well because your insights and uh, like you are calling uh, different different uh, hr professional i think will go wide in society and it will help so thank you very much of uh, taking such a great initiative thank, thank you sir. very much thank you sir thank you so much